असलम स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग शो आर ऑफ़ यू आई होप सो यू आर ऑल फाइन वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द एजुकेटर शलाल कैंपस आई एम योर साइंस टीचर टुडे आवर लेक्चर इज फॉर क्लास सिक्स एंड सब्जेक्ट इज साइंस स्टूडेंट चैप्टर नंबर टू हमारा है सेंस ऑर्गन्स पेज नंबर सेवनटीन ओपन करें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम्स देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स विल भी एबल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नो स्ट्रग एयर आई एंड स्किन इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट आप लोगों ने सेंस ऑर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक्सप्लन करना है इसको पेज नंबर एटीन ओपन करें सेंस ऑर्गन सेंस ऑर्गन आर स्पेशली डिवेल पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन डिटेक्ट टू मिलाई सच इज लाइट साउंड टेस्ट टच और स्मेल सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी के ऐसे डिवेलप पार्ट्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं स्ट्रीमिंग लाइक को सच एज लाइट जो कि लाइट है साउंड है टेस्ट है टच है और स्मेल सेंस ऑर्गन स्टूडेंट किस चीज़ से बने हुए होते हैं सेंसरी सेल्स में सॉरी मैंने यहाँ पर अंडरलाइन नहीं किया तो आप लोगों ने इसको अंडरलाइन कर लेने एम सी क्यूज के लिए सेंस ऑर्गन आर मेड अप ऑफ सेंसरी सेल्स एक सेंसरी सेल स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एक काइंड की स्टूमुलस को ही रिस्पॉन्स दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अस इन द आई कैन ओनली डिटेक्ट लाइट वेव्स, इट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू साउंड वेव्स। बॉडी की जो सेंसेस हैं वो कितनी हैं फाइव हियरिंग स्मेल साइट टेस्ट एंड टच इसको आपने एम के तौर तो पर अंडरलाइन कर लेना है ठीक है ये जो सेंसेस हैं ये डिटेक्ट की जाती हैं सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो कि हैं इंफॉर्मेशन सेंड करती है हमारे ब्रेन के पास और हमारे ब्रेन के अंदर जो स्पेशल पार्ट्स हैं वो इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करते हैं और फिर हमारा ब्रेन हमें बताता है कि आप लोग क्या देख रहे हैं आ, सुन रहे हैं स्मेलिंग कर रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं फील कर रहे हैं ठीक है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर वन जो है इसी से रिलेटेड है सेंसरी सेल्स है वॉट आर सेंसरी सेल्स यूज फॉर सेंस यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टूमिलाई सच एस साउंड लाइट टच स्मेल टेस्ट एंड टेम्परेचर ये आपने क्वेश्चन नंबर वन जो है वो अपने फोल्डर पर राइट करना है इसको याद भी करना है ठीक है कि सेंसिस सेल्स किस लिए इस्तेमाल की जाते हैं डिटेक्शन के लिए स्टमिलई की डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है हाउ डज़ द एयर वर्क एयर किसका वर्क करता है इसको एक्सप्लेन करना है आप लोगों ने डायग्राम के थ्रू पेज नंबर जो है डायग्राम के लिए आप लोग देखिएगा एटीन इसको आपने ड्रा भी करनी है अपने फोल्डर पर ठीक है स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमें इंटरनल स्ट्रक्चर दिया गया है दिखाया गया है एयर का एयर कैनाल स्टूडेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे जो है साउंड वेव्स जो है ट्रांसमिट ट्रांसफर होते हैं एयर कैनाल से एयर ड्रम के थ्रू एयर कैनाल आपको नज़र आ रहा होगा एयर ड्रम पिंक कलर का यहाँ आपको नज़र आ रहा है एंड सेंड इट टू द मिडल एयर फिर जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं वो कहाँ चले जाती है हमारे मिडल एयर के पास हैमर एनवील एंड दम्पलीफाई द साउंड ये हमारे पास एयर ओसिकल नज़र आ रही है आप लोगों को थ्री बोन्स होती हैं हमारी ओसिकल्स कहते हैं हड्डियों को सॉफ्ट बोन्स स्टूडेंट ये हमारी जो एयर के अंदर बोन्स हैं वो हैंमर एनविल एंड स्ट जो कि साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करते हैं और फिर इसको कॉकलिया के अंदर हमारे इनर एयर में ट्रांसफ़र करते हैं कॉकलिया जो है सेंड रिसीव्स द वाइब्रेशन एंड कन्वर्ट इट टू इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस कोकिया का काम होता है कि ये इसको वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक एम्पल्स में कन्वर्ट करती है और फिर हमारी ऑडिटरी नर्व आप लोगों को ये फनल शेप की येलो कलर की नज़र आ रही होगी एशियन ट्यूब यहाँ पर जो है ये मौजूद है ये भी हमारे मिडल एयर में मौजूद है हमारी जो कॉकलिया जो है वो इंफॉर्मेशन को फिर ट्रांसमिट करती है हमारे ऑडिटरी नर्व ऑडिटरी नर्व स्टूडेंट कहते हैं हमारे एयर और और हमारे ब्रेन के दरम्या जो नर्व मौजूद होती है इन्फॉर्मेशन कैरी करती है उसको कहते हैं ऑडिटरी नर्व ये आप लोगों ने क्वेश्चन जो है स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने अपने फोल्डर पर राइट करना है क्वेश्चन नंबर टू का ये आपको मैंने अभी बताया है, डायग्राम के थ्रू आप लोगों ने इसको देख लेना है एक मरतबा ठीक है इसको फिर आपने अपनी फोल्डर पर राइट करना है और याद भी करना है ये मैंने वर्किंग आपको जो कि किस वर्क करता है मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया है इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आई एंड हाउ डज द येलो स्पॉट हेल्प इट टू फंक्शन की येलो स्पॉट किस तरह हेल्प आउट करती है इसको काम करने में ठीक है पहले हम देखते हैं फंक्शन क्या है आई का आई डिटेक्ट लाइट आई का क्या काम मतलब होता है कि वो डिटेक्ट करते हैं लाइट को और इलेक्ट्रोकेमिकल इन इम्पल्स या फिर नर्व इम्पल्स भी कह सकते हैं इम्पल्सिस में कन्वर्ट करती है ऑप्टिक नर्व ये आपको नज़र आ रही होगी पेज नंबर ट्वेंटी पर ये ऑप्टिक नर्व मौजूद है हमारे आई में ये जो क्या काम करती है ऑप्टिक नर्व यह ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स को हमारे ब्रेन के पास विच फॉर्म्स एंड इमेज जो कि इमेज फॉर्म बनते हैं सो देयर बाय प्रोवाइडिंग साइट जिससे हम नज़र आना स्टार्ट होता है येलो स्पॉट स्टूडेंट ये येलो स्पॉट आपको नज़र आ रहा होगा रेटिना पे मौजूद है ये सेंसिटिव सेल्स का क्लस्टर होता है रेटिना पर यह हेल्प करता है आई को के टू सी थिंग्स विद हाई क्लियरनेस कि चीज़ों को आपने अपनी क्लियरनेस हाई क्लियरनेस के साथ देखना है और ये हमें स्टूडेंट हेल्प आउट करते हैं कि हम डिफरेंट कलर्स के दरमियान फ़र्क पहचान सकें ठीक है ये आप लोग डायग्राम देख सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन फोर है वट इज एक्वस ह्यूमर एंड ह्यूमर एक्वस ह्यूमर एक्व्यूमर ह्यूमर यह हमारे आई के पार्ट्स हैं एक्वस ह्यूमर पेज नंबर ट्वेंटी वन ओपन करें एक्वस ह्यूमर क्लियर लिक्विड फ्लूड इन बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया ये प्रोटेक्ट करता है आई को वीटर क्या होता है ह्यूमर क्या होता है ये हमारे लेंस के पीछे वाला एरिया होता है ट्रांसपेरेंट जेल लाइक टिश्यू मौजूद होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है आई को और मेंटेन भी करता है शेप आई की शेप को यह आपने क्वेश्चन फोर हो गए क्वेश्चन नंबर फाइव भी मैंने आपको बता दी ये है डायग्राम हुमेन आई की आप लोगों ने लेबल करनी है पेज नंबर ट्वेंटी पर यह मौजूद है या आपने अपनी फोल्डर पर ड्रा करना है ओके आप लोग ये इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़